नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। मंदसौर शहर में 26 सितंबर से पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा की शुरुआत होगी, जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कथा आयोजन समिति द्वारा कथा को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जो कि अब अंतिम चरण पर जा पहुंची है। इधर प्रशासन व पुलिस का अमला भी कथा के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए इंतजाम करने में जुटे हैं। इसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक व्यवस्था है, इसमें पार्किंग से लेकर रूट को बदला जाना है। ऐसे में कथा के दौरान सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यह बदली हुई व्यवस्था लागू रहेगी। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कथा के दौरान घर से बाहर निकले तो शहर की बदली हुई ट्रैफिक व्यवस्था को अपने ध्यान में रखें। इधर पुलिस ने भी व्यवस्था को लेकर मेगा प्लान बनाते हुए इसका नक्शा तैयार किया है और शहर के चारों दिशाओं में आने वाले रास्तों के हिसाब से पार्किंग से लेकर रूट को डायवर्ट किया है। वहीं कथा स्थल पहुंचने वाले सभी मार्गों पर संकेतक भी लगाया गया है। पुलिस ने इस बदली हुई व्यवस्था को 26 सितंबर से लागू किया है, लेकिन आम लोगों की सुविधा के लिए इसे 23 सितंबर को ही जारी कर दिया गया। बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा को लेकर मंदसौर जिले सहित मल्लवा अंचल के सभी भक्तजनों में उत्साह है। आयोजन को लेकर आयोजन समिति ने अलग अलग प्रकार की टोलियां तैयार की हैं, जो कि कथा पंडाल सहित परिसर में अपनी सेवाएं देंगी। इसके साथ ही कथा पंडाल परिसर कॉलेज मैदान में आयोजन समिति के कार्यालय के अलावा पूछताछ केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था सहित अलग अलग प्रकार के केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आयोजन समिति का अनुमान है कि प्रतिदिन कथा में 1 से 2 लाख भक्तगण पहुंचेंगे और कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों की व्यवस्था हेतु 3 लाख लोगों की क्षमता वाला पंडाल तैयार किया गया है, जो कि लगभग पूरी तरह तैयार है। 26 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शिव महापुराण कथा की शुरुआत होगी। प्रतिदिन कथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। आयोजन समिति के अनुसार प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी 26 सितंबर को ही मंदसौर शहर पहुंचेंगे। जीवन 24 के लिए मंदसौर से ललित धाकड़ की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जैन राम जैन है। यहाँ व्यवस्थाओं में प्रबंध प्रमुख के नाते में यहाँ पर पूरी व्यवस्था देख रहा हूँ। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ तैयारी अब तक की गई है और क्या 5-7 दिन की 8 दिन की जो कथा है? व्यवस्था हमारी पूरी हो चुकी है, डोम बन चुका है, उनके यहाँ पर धर्मालु श्रद्धालु जो आने वाले हैं उनके लिए भी अलग अलग हमने रुकने की कुछ समाज की धर्मशालाएं हैं। उन धर्मशाला जिन समाज की है उन समाज प्रमुखों ने वो धर्मशालाएं भी निशुल्क उपलब्ध कराई है, उनमें भी यहाँ आने वाले सभी बंधुओं के रुकने की व्यवस्था रहने वाली है। धर्मशाला के अलावा ऐसा लगता है कि और आवश्यकता लगेगी कुछ बंधु यहाँ पर इस स्थान पर रुकने वाले हैं। हमने इस व्यवस्था तो की है, लेकिन अब वो संख्या का अनुमान नहीं है कितने आएंगे। जितने आएंगे उनके लिए रुकने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, शौचालय स्नान सब प्रकार की व्यवस्था उनके लिए यहाँ पर है। पांडाल 1,10,000 स्क्वायर फीट में हमारा डोम बना है। 2,10,000 में पूरा टेंट लगने वाला है। ऐसे 3,20,000 स्क्वायर फीट हम पूरा कवर करने वाले हैं। इसके बाद भी यदि आवश्यकता लगती है तो हमारा पूरा पांडाल 6,00,000 स्क्वायर फीट का है, हम उसमें टेंट लगाने और बिछाने की व्यवस्था के लिए हमारी पूरी तैयारी है। पार्किंग की व्यवस्था हमारी अलग अलग स्थानों से आने वाले बंधुओं के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था है। सीतामऊ गरोड़ भानपुरा की ओर से आने वाले तथा रतलाम जावरा की ओर से आने वाले, ऐसे दोनों तरफ से आने वाले की पार्किंग की व्यवस्था फतेहगढ़ नया खेड़ा वाला जो बाईपास है, इस बाईपास से होकर के कलेक्टर कार्यालय के सामने से जो रोड निकलता है उस रोड से काबराजी के पेट्रोल पंप से लगाकर नक्षत्र वाटिका और उससे आगे हॉकी का मैदान, ऐसे 4-5 स्थल है जहाँ पर उनकी पूरी पार्किंग की व्यवस्था रहने वाली है। श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था पैदल भी रहेगी, लेकिन जो बंधु चलने में असमर्थ है, उनको आने में समस्या है, तो ऐसे बंधुओं के लिए ई रिक्शे की व्यवस्था है। ई रिक्शा पूरी तरह से निःशुल्क रहने वाला है, लेकिन उसका शुल्क
जो गनेरीवाल जी का ट्रस्ट है वो ट्रस्ट उनका भुगतान करेगा, उनने वह व्यवस्था उन ट्रस्ट ने की है। गुरुजी 26 तारीख को दोपहर में 2 बजे कथा है, उससे 5 मिनट पूर्व कथा के पंडाल में पहुंचेंगे और यहां से कथा होने के बाद उनका जो स्थान है जहां विश्राम करने वाले वहां पुनः जाएंगे। खतरा नहीं है क्योंकि ऐसी भीड़ और स्थिति को देखते हुए शोभा यात्रा की व्यवस्था नहीं रखी है। काफी शहर में रेलवे स्टेशन से बस स्टेशन से आने वाले टेम्पो है, ऑटो रिक्शा है, उस यूनियन से भी हमारी बात हुई है। वो यूनियन के बंधु बिल्कुल नॉमिनल शुल्क पर लाएंगे। कुछ ऑटो टेम्पो वाले मैजिक वाले हैं, उनने स्वतः कहा है कि हम हमारी ओर से निशुल्क व्यवस्था करेंगे, कथा सुनने वालों को कथा पांडाल तक हम निशुल्क पहुंचाएंगे। ऐसा कुछ ऑटो और टैक्सी वालों ने अपना स्वयं का निर्णय लेकर के हमको बताया। हमारी लगभग 20 से 22 प्रकार की टीमें हैं। पांडाल व्यवस्था में महिला की टीम अलग है, पुरुष की टीम अलग है, उसके बाद में हम देखते हैं तो हमारे चिकित्सा की टीम है, यातायात की है, सुरक्षा की है, पार्किंग की टीम है, जल व्यवस्था को लेकर के टीम है, कार्यालय की टीम है, ऐसे स्वच्छता को लेकर के टीम है, ऐसे लगभग 18 से 20 प्रकार की हमारी टोलियां हैं और सभी टोलियां अपना अपना काम देखती है।